ये फोन अभी अपन प्लग करेंगे तो अपन को पता चलेगा इसमें टेम्परेचर का क्या एरर आता है। इस फोन के अंदर थर्मामीटर बनकर आता है, यहाँ पर थर्मो, इसका मतलब टेम्परेचर एरर है। हम पहले इसका सर्किट समझते हैं। इस फोन के अंदर हम सबसे पहले सब बोर्ड पे काम करेंगे। कहाँ पे काम करेंगे? मैंने आपको थर्मिस्टर की दूसरे नंबर पहले नंबर की क्लास में सैमसंग में बताया था कि कहाँ कहाँ थर्मिस्टर लगे होते हैं। हेलो, मैं बताया था ना भाई, सीपीयू के पास, सीपीयू के पास पावर चार्जिंग आईसी, वाईफाई आईसी, नेटवर्क, सब बोर्ड और वायरलेस पत्ता, वायरलेस पत्ता, ठीक है। हेलो सर, थर्मिस्टर ढूंढना बताया था ना मैंने भाई, थर्मिस्टर 5 मिनट के अंदर कौन कौन ढूंढ सकता है? हेलो सब ढूंढ सकते हैं। तो हमने अब ज्यादातर इन फोनों में हमें सबसे पहले नीचे सब बोर्ड का चेक करना है, समझ रहे मेरी बात? तो सब बोर्ड के अंदर अगर हम यहां पर बात करेंगे, पहला हम इसका सर्किट समझे, ये हमारा कौन है? सीपीयू। तो थर्मिस्टर सैमसंग के अंदर सीपीयू से फॉल्ट आता है। हेलो सर। और चाइना के अंदर, चाइना के अंदर पावर आईसी, पावर आईसी किसके अंदर? पावर आईसी, पावर के अंदर थर्मिस्टर रहते हैं, समझ रहे मेरी बात? यस सर। तो अगर ये सैमसंग है तो सैमसंग के अंदर एक थर्मिस्टर होगा जो कि इसके कनेक्टर से जा रहा होगा, ये ऐसा करके, ये लाइन, ये ऐसा करके, और इस कनेक्टर पे आ रहा होगा ये जो लाइन है, ये लाइन होगी आपकी, हम इसको बोलेंगे मेन थर्म। बोलो मेन थर्म, टी एच एम, और इसको हम यूएसबी थर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टी एच एम, ये सप्लाई के नाम है जो उसकी सीपीयू को अंदर डिटेक्ट होने चाहिए। सीपीयू क्या चाहता है? सीपीयू चाहता है खाली यहाँ पर एक वोल्टेज सेंस हो। हेलो, खाली क्या सेंस हो? वोल्टेज सेंस। तो वो बोल रहा है मुझे सिर्फ चार्जर लगा के ये वोल्टेज दिखा दो वहां पर, तो मैं एरर वेरर नहीं दूंगा, तो मैं समझ लूंगा सब कुछ ओके है। तो अब यहाँ पर सर्किट क्या बनता है? सर्किट यहाँ पर 3 कंपोनेंट का बनता है। एक होगा थर्मिस्टर जो होगा पैलर, हेलो, और एक होगा रजिस्टर। बोलो रजिस्टर, और ये जुड़ा होगा इन दोनों के बीच में। हेलो, ये होते हैं R1, क्या हो जाएगा R1, और ये क्या हो जाएगा R2। ये हो गया वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। बोलो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, और इसके साथ एक पैलर, एक कैपेसिटर भी लगा देते हैं, समझ रहे मेरी बात? पैलर फिल्ट्रेशन के लिए। तो ये इस तरह का सर्किट है। बट कैसे होगा भाई, इसको वोल्टेज देने के लिए पहले R1 को वोल्टेज देना पड़ेगा। हेलो सर, तो R1 पे भी एक वोल्टेज होता है, और ये वोल्टेज क्या रहता है? 1.8। ये वोल्टेज भी क्या रहता है? 1.8। ये वोल्टेज जनरली LDO से निकल के आता है पावर के, किससे? चलिए बताओ, ये सीपीयू पे भी जाता है, अलग अलग कंडीशन है, 1.8 है। सो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये वोल्टेज इसको नहीं मिला, बोलो तो भी टेम्परेचर है। हेलो, अगर ये वाला ट्रैक कट गया, बोलो तो भी टेम्परेचर है। अगर ये थर्मिस्टर खराब हो गया तो भी टेम्परेचर है ना। हेलो, बिल्कुल वहां तक दो आवाज जहां तक जा सके, खुद को चेक करो। हेलो, अगर 1.8 का ट्रैक कट गया तो सेम, अगर ये सेंस लाइन कट गई तो भी आ रहा, अगर ये थर्मिस्टर खराब हो गया निकल गया तो भी आ रहा, और अगर इस रजिस्टर की वैल्यू बदल गई तो भी। तो अपन इसमें चेक करें। हेलो, ये सर्किट समझ में आया? इसको आया सर्किट समझ में? आया सर। अब इसको बाईपास भी करते हैं, जब बना रहे तो पूरा बना। सर अगर क्या हो, ये वाला ट्रैक ना मिले, यहाँ पर बीप ना मिले, थर्मिस्टर से बीप मिलना चाहिए। किससे मिलना चाहिए? थर्मिस्टर से। तो एक थर्मिस्टर से बीप मिलना चाहिए और एक रजिस्टर से मिलना चाहिए। हेलो यस सर। थर्मिस्टर का बीप होगा सेंस, और रजिस्टर का बीप होगा 1.8। दूसरा सर, अगर ये बीप नहीं मिली तो जंपर मार देंगे। हेलो यस सर। क्या मार देंगे? जंपर। पर यहाँ पे जीआर होने चाहिए, किससे जीआर होने चाहिए? पर अगर सर 1.8 का नहीं मिला तो 1.8 को तो कहीं से भी दे सकते हैं। हेलो यस सर। समझ रहे मेरी बात? yes, इस बोर्ड में कोई और कंपोनेंट है जिस पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं? वहीं से भी दे सकते हैं। हेलो yes, इसको सीपीयू से चाहिए नहीं, बट इसको ये वाला बाईपास नहीं कर सकते, ये वाला बाईपास नहीं कर सकते। हेलो yes, ये वाला जो बाईपास है, हम
ये वाली लाइन को बाईपास नहीं कर सकते क्योंकि हमें सीपीयू तक ये वोल्टेज पहुंचाना है। समझ रहे हो मेरी बात? आओ तो देखो, सबसे पहले एरर देखो दिखता कैसा है, इसमें क्या एरर आ रहा है। या तो टाइप सी दो, देखो ये लोगो आया, ठीक है? यस सर। तो इसको कौन कौन बना सकता है आप में से बताओ? सब बना सकते हैं? यस सर, बना देंगे। आओ, तो जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे ही काम करेंगे। समझ रहे मेरी बात? यस सर। सबसे पहले इसका सबबोर्ड ओपन करो। तो हम सबसे पहले इसका सबबोर्ड ओपन करते हैं और चार्जर लगाएंगे और हम R1 पे 1.8 वोल्टेज चेक करेंगे। हेलो, क्योंकि R1 पे 1.8 आएगा तो ही हमें पता चलेगा कि हमारा सेंस बन रहा है कि नहीं। सिंपल का तरीका, हम इसके लिए देखते हैं कि हमारा बोर्नियो कितना मदद दे सकता है। तो हम बोर्नियो को ओपन करेंगे। ये मॉडल है 305F सैमसंग का M सीरीज का। तो ये हम सैमसंग के एप सीरीज में जाएंगे, एम सीरीज में जाएंगे। 305F बिटमैप सब बोर्ड का मिल गया तो ये हमारे लिए काफी अच्छी चीज हो जाएगी, ठीक है? ये हमारे को बिटमैप मिल गया। अब हार्डवेयर सोल्यूशन में हमें अगर सब बोर्ड का बिटमैप मिलता है, बट सब बोर्ड के बिटमैप में हमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सब बोर्ड के बिटमैप में थर्मिस्टर का कोई लाइन नहीं देते हैं। ये खाली देते हैं वही आपका बी बस, USB, माइक की लाइन, स्पीकर बस और हेडफोन में अगर डाल दिया तो, अदरवाइज सबबोर्ड में ये थर्मिस्टर का नहीं देते हैं। अब हमने सबबोर्ड देखा यहां से, अब हम यहां पर कनेक्टर लगा दो, बैटरी हटा दो, बैटरी भी लगा दो, कोई सीन नहीं। अब हम सबसे पहले यहां पर अपना लोकेशन देखेंगे। अब हमारा यहां पर थर्मिस्टर वाला लोकेशन किधर है? तो सबसे पहले मैंने आपको थर्मिस्टर ढूंढना सिखाया था। हेलो, यस सर। क्योंकि अभी हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए मैं बहुत बताऊंगा नहीं। हमारे जो थर्मिस्टर की लोकेशन है वो ये तीन कंपोनेंट है, ये दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ये बड़ा सा कंपोनेंट, हेलो, यस सर, थर्मिस्टर, और ये हमारा R1 और ये इन दोनों के बीच में लगा हुआ फिल्टर कैपेसिटर, हेलो, यस सर। तो ये हो गया R1, R2। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, चार्जर लगाएंगे और इस R1 पे मल्टीमीटर की प्रॉब्लम, मल्टीमीटर ऑन करो, ठीक है? नहीं, एसी में डीसी। अब माइक्रोस्कोप देखो, सेट करो, पहले ऊपर नीचे कर लो जो भी तुम्हारा अगर लगे, देख रहे हैं? सही है, ठीक है, देखो। तो हम सबसे पहले इधर देखो, तो एक सिरा ग्राउंड कर लो और इस रजिस्टर पर 1.8 वोल्टेज देखेंगे कि 1.8 वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। इस रजिस्टर के उस साइड, ठीक है? ये लगो, यस सर। आ रहे वोल्टेज? यस सर। थर्मिस्टर भी लगा है, हेलो, यस सर। अब हम इसे हटाओ, अब हम थर्मिस्टर पे चेक करेंगे। किस पे चेक करेंगे? अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर हम इसलिए चेक करेंगे कि यहाँ पे कुछ 0.5, 0.7 कुछ वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, क्योंकि ये रजिस्टर है 100 के का। कितने के का है? 100 के का, हेलो, यस सर। थर्मिस्टर भी है 100 के का, कितने के का? 100 के का। तो ये वोल्टेज चेक करो कुछ बन रहा है कि नहीं। सेंस वोल्टेज बोलो, सेंस वोल्टेज। रजिस्टर की दूसरी ओर ही चेक कर लो, सुनो, रजिस्टर की तरी चेक कर लो, कुछ वोल्टेज नहीं बन रहा, हेलो, दिखाई दे रहा है यहाँ पर? 63 मिली वोल्टेज, मतलब कोई 0.5, 0.6, 0.7 नहीं। तो ये क्या रीजन हो सकता है? थर्मिस्टर तो उसका रीजन नहीं, इसका रीजन है R1, बोलो R1। क्या रीजन है इसका R1? आओ जरा आओ वापस एक बार फिर से आओ, भाई बेटर रहो आप इधर आओ। तो देखो अब इसका हम थोड़ा प्रोटोकॉल समझते हैं।
ये डिवाइडर होता है, डिवाइडर में एक रजिस्टर के साथ दूसरा रजिस्टर लगाते हैं, हेलो यस सर, और रजिस्टर को दूसरे रजिस्टर को क्या कहते हैं, ग्राउंड। जो एक रजिस्टर होता है उसको हम जिस रजिस्टर पे वोल्टेज देते हैं, बोलो जी सर, उसको हम क्या बोलेंगे, और जिसको हम क्या रखते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ग्राउंड रखा किसको, ताकि वो अपनी वैल्यू बदल सके, हेलो यस सर। वैल्यू बदलेगा तो बीच में वोल्टेज भी बदल जाएंगे। अब अगर ये 100 के का है, बोलो, और ये भी कितने के का है, तो ये अपने इस, मैंने क्या बताया था कि डिवाइडर सर्किट में वैल्यू हमेशा अगर सेम हो, हेलो वैल्यू, तो वोल्टेज आधा हो जाता है, हेलो। तो यहाँ वोल्टेज कितना होना, पर हमको यहाँ वोल्टेज मिल नहीं रहा, तो हमें किसको चेक करना है, चलिए बताओ, हेलो, हमें आर1 को चेक करना है। देखो मैं आपको इसका एक रजिस्टर का एग्जांपल दिखाता हूँ, थोड़ा सा देखिए, एम सीरीज में ही देख लेते हैं, कोई भी एम सीरीज में देख लेते हैं जिसका डायग्राम हो, डायग्राम के साथ एग्जांपल दिखाने में सही रहेगा। T05 का डायग्राम नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी ये लेआउट दिया है पर वो नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं। तो हम A50 का देख लेते हैं एक समझने के लिए कि ये होता कैसे, A05 और ए, ठीक है, A305 को ले, दोनों एक ही है, सारे सैमसंग के एक जैसा है, कोई 305 खोल लो, 505 खोल लो, डजन मैटर, हमने खोल लिया है 305। अब क्या करना है, अब सिंपल सी कोडिंग है, एक कोडिंग मैंने आपको बताई थी हमेशा याद रखना, अब वो है AP, बोलो THM, बोलो AP THM, ये दिख रहा है आपको, ये देखो इस तरह का सर्किट होता है, ये फोटो खींचो, इसके अंदर ये R2, और ये R1, बट यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं लिखी, तो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, हम एक ऐसा सर्किट खोलते हैं सैमसंग में जिसमें वैल्यू लिखी हो, हेलो यस सर, क्योंकि ऐसा नहीं है, जो A30 में लगा है वही M30 में लगा है, वो उसकी वैल्यू को बदलता नहीं है, तो हम वैल्यू वाला निकालेंगे। हम ये समझना चाहते हैं कि हम कुछ भी ना लगा कर एक वैल्यू में लगाए, तो हम लगाए 205 खोलते हैं, हमें वैल्यू चाहिए भाई, ये भी ये सैमसंग है A20, तो A20 के अंदर हम थर्मिस्टर की वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि सैमसंग अपने लेआउट अपने डायग्राम में वैल्यू देता नहीं है, हेलो यस सर, कुछों में देता है कुछों में नहीं देता, हाँ सब में नहीं मिलती, तो हम यहाँ पर कोडिंग डालेंगे, कोडिंग क्या है, चलिए बताओ, THM, ये देखो अब वैल्यू के साथ मिल रही है, हेलो यस सर, किसके साथ मिल रही है, मुझे बताओ R1 की वैल्यू क्या है, समझ में आ रहा है मेरी बात, मतलब हमारी R1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आप तो अब आप मल्टीमीटर को होम स्पॉट में करो और R1 की वैल्यू चेक करके दिखाओ, देखो सब लोग चार्जर निकाल लो, चार्जर निकाल के ही हम सारे होम स्पॉट में वैल्यू चेक करते हैं, तो ये हमारे को 67 के जा रहा है, हेलो yes, हम इस रजिस्टर को चेंज करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, yes, और हम कहीं 100 के का रजिस्टर निकाल के यहाँ पर रख देते हैं और देखते हैं कि हमारा सर्किट ओके होता है कि नहीं। तो अब हम एक दूसरा 100 के का रजिस्टर निकालेंगे, तो हम किसी भी बोर्ड से निकाल देते हैं, अनिल एक इसी से निकाल लेते हैं, नोट बोर्ड से निकाल लेते हैं। अब देखो अब इससे 100K का रजिस्टर कैसे निकालें इमीडिएटली डायग्राम, क्योंकि कुछ फोन जिसके डायग्राम है, तो हम क्या करेंगे, देखिए जब हम इसका डायग्राम खोलेंगे, लेआउट स्कीमेटिक, ताकि हमें लोकेशन मिल सके, हमें 100K का रजिस्टर चाहिए, सिर्फ क्या करना, खाली यहां पर 100K लिख देना, अभी हमें 100K का रजिस्टर देता रहेगा जहां जहां लगा है, हेलो यस सर, ये भी 100K का है, यहां पर भी लगा हुआ है, एक बिट और भी देखते हैं ये वाला लोकेशन कहां है, तो ये लोकेशन है आपकी इधर, तो ये पावर IC के पास जाकर, देखो पावर IC देखा हो,
पीके पॉइंट के अलावा ये वाला देखो, देखो यहाँ पर कहाँ लगा हुआ है बताओ। तो ये भी समथिंग 61 के ही आ रहा है। हाँ कहीं से भी और देखते हैं, हम एक निकाल के चेंज करते हैं क्योंकि वैल्यू भी कई बार क्या होती है सेम रहती है। यहाँ पे 100 के लिए बोलो, वहाँ पे 100 के लिए ठीक है। एक रजिस्टर हम कहीं से निकाल के लगा के देखते हैं कि हमारे को क्या कंडीशन बैठ रही है। यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये भी एनसी नहीं है, और ये रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है देखो टच करेक्टर के पास। यहाँ पर देखो ये नीचे, ये नीचे और मेरे ख्याल से दोनों ही रजिस्टर 100 के हैं। जब वैल्यू चेक करो ऊपर है ये कर ले यूज ठीक है। निकालो इसको, निकालो कोई नहीं और उसको ठीक है हाथ में ले लेना सेट और देखाओ। किस किस को समझ में आया जल्दी बताओ। हेलो यस सर। अब इसमें क्या क्या बाईपास कर सकते हैं मैं ये भी बताता हूँ। वेरी गुड, आ जाओ बैठो। अब इसमें हम क्या क्या बाईपास कर सकते हैं, जैसे मान लो सर ये रजिस्टर्ड का किसी ने पूरा पैड ही उठा दिया या हम क्या रजिस्टर लगाए नहीं। देखो एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है,
ना कि फोन टीचर से, फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से, फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से